संक्रमण काल के दौरान अग्रणी भूमिका निभाने वाले 45 नेत्र चिकित्सकों सहित कोरोना काल में शहीद हुए 3 नेत्र चिकित्सकों को सम्मान दिया गया। समाज को प्रेरित करने के उद्देश्य से मरीजों को बेहतर सेवा देने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मान के साथ रांची के होटल बीएनआर में झारखंड ऑफ्थाल्मोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के दौरान कुछ आता नहीं है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस आयोजन को खास बताते हुए चिकित्सकों द्वारा दिए गए योगदान की सराहना की। साथ ही इस कठिन समय में इनके कार्य और योगदान की प्रशंसा करते हुए प्रशस्ति पत्र मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित किया। लग रहा है कि कुछ किए हैं अच्छा और उसका थोड़ा सा कुछ ये भी मिल रहा है, मतलब रिकॉग्निशन। ये तो आई स्पेशलिस्ट हैं हम, सेंट्रल हॉस्पिटल गांधीनगर रांची में। हाँ, CCL हॉस्पिटल गांधीनगर जो है वो कोरोना हॉस्पिटल उस समय डिक्लेयर हुआ था, तो वहाँ हम लोग के पूरा कोरोना पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा था, तो उस समय हम लोग सब एंगेज थे उसमें। देखिए, एक्चुअली सम्मान मिले नहीं मिले, हम लोगों को तो ये काम करते ही रहना है। अगर ऊपर से थोड़ा काम तो करता ही है, नहीं डॉक्टर्स को करते ही जाना है, है ना। काम सम्मान के ऊपर डिपेंडेंट कुछ नहीं है, बट नेचुरली कुछ रिकॉग्निशन मिलता है सोसाइटी से तो अच्छा तो लगता ही है। जितने भी कोरोना के योद्धा थे उनके सम्मान स्वरूप ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही जिन लोगों ने शहादत दी है उनके प्रति भी हम अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। और कुछ एक ऐसे विषय हैं जिस विषय पर गंभीरतापूर्वक चिंतन मनन करने की आवश्यकता भी है, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने चिकित्सकों का, जिस विपरीत परिस्थिति में जब पिता की अंत्येष्टि पुत्र करने में डरता हो, पुत्र माँ की अंत्येष्टि करने में डरता हो, और ऐसी विषम परिस्थिति में चिकित्सकों ने अपने जान को जोखिम में डालकर झारखंड की जनता को बचाने का काम किया है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देने आया था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के तरफ से। और हम अपने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इनका अभिनंदन करने आए थे, इनका सम्मान करने आए थे, और इनकी कुछ बातें हैं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। वी टाइम न्यूज़ के लिए रांची से राहुल सिंह परिहार की रिपोर्ट।